महिला का दीजिए। कार्यक्रम का आयोजन सौर भारत न्यूज और खत्री दीवान ज्वेलर्स की तरफ से किया जा रहा है। उनमें हमारे गार्जियन स्वरूपी रंजित भैया का काफी योगदान है। ठंड पे हम लोग कम्बल वितरण का आयोजन कर रहे हैं। जो भी आर्थिक स्थिति से मजबूत हो वो निर्धन के बीच कम्बल को बांटें, उनके सुख उनके दुख में साथ रहें, ताकि उनकी समस्या को भी आप समझें। सबसे पहले सॉरी टीवी और खत्री दीवान ज्वेलर्स को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा है। जैसा अमित जी ने कहा कि जो लोग भी सक्षम है वो आगे बढ़कर निर्धनों के लिए, मतलब जो जरूरतमंद हैं लोगों के लिए, हम उनको कुछ काम करें। काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसमें ये कम्बल उनके लिए बहुत आराम देने वाला चीज़ होगा, बहुत ही उनके लिए वरदान साबित होगा। तो हम लोग सॉरी टीवी और खत्री दीवान ज्वेलर्स का तहे दिल से हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं कि आप इस सोच को, और ये प्रेरणादायक है सभी लोगों के लिए, सभी यूथ के लिए, कि आगे बढ़कर समाज सेवा जो भी आपके पास है, जो भी आप कर सकते हैं जरूरतमंद के लिए जरूर करें। और इसमें जब आगे भी चलकर अगर हमसे कुछ सहयोग हो पाएगा, अगर सॉरी टीवी और दीवान ज्वेलर्स की तरह हम लोग भी आपके काम आ सकें तो काफ़ी सौभाग्य की बात होगी। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ सूर्य टीवी और दीवान टीम को, जिन्होंने इतना अच्छा काम सोचा है कि गलत हर किसी को वस्त्र की जरूरत है, हर कोई परेशान है ठंड से, जो चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जरूरतमंद हो, हर लोग। मगर ये भावना जो होती है कि लोगों की मदद करने के लिए, लोगों के काम आने के लिए, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। ये इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ सॉरी टीवी को और दीवान ज्वेलर्स को, क्योंकि देखिए कहते हैं कि ईश्वर खुद ज़मीन पर चल कर नहीं आते, अपने बंदों को किसी न किसी माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं। जो काम सॉरी टीवी और दीवान खत्री ज्वेलर्स ने किया है, इसका श्रेय तो नहीं, इसका आशीर्वाद लोगों का बहुत उनको मिलेगा। और सॉरी टीवी मतलब अपने नाम की तरह पूरे देश में ना उसका नाम रोशन होगा, क्योंकि आशीर्वाद कभी भी बेकार नहीं जाता। और दीवान खत्री ज्वेलर्स का, क्योंकि पैसा सबके पास होता है मगर लोग किसी के काम आए, ऐसी सोच बहुत कम लोगों की है। ऐसे करने से लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी, युवा भी आएंगे और समाज से भी जो लोग जुड़े हैं ऐसे कमल वितरण से उन लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। सौर भारत न्यूज़ और खत्री दीवान ज्वेलर्स के द्वारा असहाय निर्धनों के बीच 151 कमलों का वितरण किया गया है, जो कि अपने आप में सराहनीय कार्य है। हमारे अपने गार्जियन स्वरूपी बड़े भाई रंजित प्रभाकर जी मुख्य अतिथि थे और उनका योगदान उनका सराहनीय है। हमेशा वो हमारे बीच हर समय हर पल तत्पर रहते हैं। तो उनके और हमारे सहयोग से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक सफल पूर्वक कार्यक्रम किया गया है। हम उनको भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और तमाम लोगों को भी धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं। और ऐसे आयोजन को हमेशा हर लोगों को हम चाहेंगे कि करें, जो आर्थिक स्थिति से मजबूत हों वो उन्हें चाहेंगे वो अपने कदम को आगे बढ़ाएँ, लोगों के बीच जाएँ और लोगों को ऐसे सहूलियत दें। तो कमल वितरण आज हुआ है, बस इसी प्रकार आगे भी आप लोगों का सहयोग मिलेगा और आगे भी होता रहेगा। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर। कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी।